नमस्कार, झारखंड MMMS अर्थात राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति 2016-17 का गणित का पेपर, इसका सॉल्यूशन के साथ पार्ट टू वीडियो है। पार्ट वन वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 71 से लेकर 80 तक के प्रश्नों को हल किया था। अब अगले 10 प्रश्न पार्ट टू वीडियो में प्रस्तुत है। प्रश्न संख्या 81, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1 इक्वल टू 0 तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान है, तो इसमें से ये बताना है कौन सा मान होगा। तो आइए इसे हल करते हैं। दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1 इक्वल टू 0। अब क्या कर रहे हैं कि हम x से डिवाइड कर दे रहे हैं इसको, पूरे को, बाई ओर भी और दाहिनी ओर भी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां x से डिवाइड करेंगे इसे, तो ये हो गया x, ये हो जाएगा 3 और यहां हो जाएगा 1/x, और 0 में x से भाग करेंगे तो फिर वो 0 ही हो जाएगा। अब इस तरह से हमें मिल गया x प्लस 1/x, और ये प्लस 3 को यहां लाएंगे तो ये हो जाएगा -3। अब हम इसका मान निकालेंगे एक्स क्यूब प्लस 1/x³। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है एक्स प्लस 1/x क्यूब माइनस 3x प्लस 1/x। आप ये सर्वसमी का आपको याद होगा, ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस पी। तो इसी फॉर्मूला पर ये आधारित है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहां ए की जगह एक्स है और बी की जगह 1/x है, इसलिए यहां पर ये कट के ये 3 रह गया, और ये ए की जगह ए एक्स और बी की जगह 1/x। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि इसका मान है -3 ये होल क्यूब माइनस 3 इंटू -3। तो ये आ गया, ये -3 को हम 3 बार गुना करेंगे तो -27, और ये हो गया प्लस 9। तो -27 प्लस 9 हो गया हमारा -18। तो ये पहला वाला हमारा आंसर है। प्रश्न संख्या 82, एक्स टू द पावर ए इंटू एक्स टू द पावर बी इंटू एक्स टू द पावर सी इक्वल टू 1। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान निकालना है, तो आइए इसे हल करते हैं। ये हमें दिया हुआ है एक्स टू द पावर ए इंटू एक्स टू द पावर बी इंटू एक्स टू द पावर सी इक्वल टू 1। तो घातांक के नियम से हम जानते हैं कि ये जब आधार एक ही है और ये गुना हो रहा है तो इसके घातांक जुड़ जाते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर ए प्लस बी प्लस सी, और हम जानते हैं कि किसी भी आधार का अगर घात शून्य है तो एक होता है, तो हम एक को इस तरह से लिख सकते हैं, एक एक्स का घात शून्य। तो इससे हमें क्या मिल जा रहा है, देखिए बराबर के इधर भी आधार x है और इधर भी आधार x है और ये बराबर है, तो इसका मतलब घात बराबर है। तो ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 ये हमें मिल गया। और इससे एक चीज हमें और मिल जा रहा है, a प्लस बी इक्वल टू -c हो जाएगा, b प्लस सी इक्वल टू
माइनस ए होगा, और ए प्लस सी या सी प्लस ए जो कहें ये माइनस बी होगा। ये हमने ऐसा इसलिए निकाला कि आगे देखेंगे कि इसका प्रयोग होगा। ये सर्व समीका आप अच्छी तरह से जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस 3ac इंटू ए प्लस सी प्लस 3bc इंटू बी प्लस सी प्लस 6abc। ये फॉर्मूला अगर आप नहीं जानते हैं तो इसे आप याद कर लें, या ए प्लस बी प्लस सी हमने देखा था शून्य था, तो ये हो गया शून्य, और ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab, और ए प्लस बी का मान हमने यहां निकाला है माइनस सी, तो ये माइनस सी 3ac, और a प्लस सी का हमने निकाला है माइनस बी प्लस 3bc, और b प्लस सी का माइनस ए प्लस 6abc। इसे हम पूरे को उलट देते हैं, इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और स्कल टू माइनस 3ab माइनस सी सॉरी माइनस 3ac माइनस बी माइनस 3bc माइनस ए माइनस 6abc। यह ऐसा इसलिए हुआ कि पूरे को हमने बाईं ओर ले गए और ये शून्य दाहिनी ओर आ गया, तो फिर हमने इसे फिर से दाहिनी ओर लेते आए। आप इसे हल करेंगे इतना ही आएगा, इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3ab c प्लस 3ab c प्लस 3ab c माइनस 6ab c। तो ये प्लस 3ab c प्लस 3ab c ये 6 हो गया और ये माइनस, तो हमारा आ गया 3ab c। तो हमारा ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 सही है। इस लाइन से इस लाइन आप बढ़िया से समझ लीजिएगा कैसे हुआ है। प्रश्न संख्या 83, यदि x प्लस 1/2x इक्वल टू 2 तो 8x³ प्लस 1/x³ का मान है, क्या मान होगा? आइए इसे भी हल करते हैं। एक्स प्लस 1/2x इक्वल टू 2, तो यहां क्या करेंगे हम, 2 से गुणा कर देंगे बाईं ओर भी और दाहिनी ओर भी, तो इससे क्या मिलेगा हमें, ये 2x प्लस 1/x इक्वल टू 4, ये 2 का गुणा हो गया। अब हम मान निकालते हैं 8x³ प्लस 1/x³, इक्वल टू 2x³ प्लस 1/x³। तो ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2x प्लस 1/x
होल क्यूब माइनस 3ab टू एक्स इंटू वन बाई एक्स इंटू टू एक्स प्लस वन बाई एक्स। ये फिर जिस तरह से 82 नंबर में हमने किया था ठीक उसी तरह से है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब स्क्वायर टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। आप देखें यहां 81 की तरह हमने गलत बोला 82, 81 में भी देखे हमने यही यही सर्वसमिका लिखा था। तो ये सर्वसमिका आपको याद कर लेना चाहिए। अब बहुत सिंपल हो गया, 2x प्लस 1 बाई x का यहां पर वैल्यू दिया हुआ है 4, तो ये 4 का क्यूब माइनस, और यहां पर ये ध्यान दीजिए x और x कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3 इंटू 2 इंटू, और फिर यहां 4 है इसका वैल्यू 4, तो ये हो गया 64 माइनस 24 अर्थात ये आ गया 40, तो ये हमारा तीसरा नंबर सही है। और 84 नंबर, चित्र में x का मान ज्ञात करें। ऑप्शन दिया है 85 डिग्री, 130 डिग्री, 75 डिग्री और 100 डिग्री। तो सबसे पहले ये बताएं, यहां नाम नहीं दिया हुआ है, हम नाम दे दे रहे हैं ए बी और ये सी और ये डी, ये वास्तव में है क्या? ये चतुर्भुज है ना, यहां यहां चार भुजाएं हैं, एक दो तीन चार, और कोण भी चार है, एक दो तीन और चार। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के कोण कोणों का योग होता है 360 डिग्री, तो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण, ये पहले हम निकालेंगे, तो ये जो कोण है चलिए इसका हम नाम दे देते हैं y, तो y बराबर हो गया 360 डिग्री, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री हुआ, तो इन तो तीनों कोणों का योग इस y इस 360 से घटाएंगे तो y निकल जाएगा, तो ये 55 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये हो गया 360 डिग्री माइनस 5 5 10 0, हाथ में रहा 1, 5 4 9 और 3 12 और 1 13, 130 डिग्री है, तो ये बच गया 230 डिग्री, तो ये y हमारा 230 डिग्री हो गया। फिर ये पूरा कोण 360 डिग्री है, इसलिए x बराबर क्या होगा, 360 माइनस 230 डिग्री, यानी ये आ गया 130 डिग्री, यानी ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। ये 85 क्वेश्चन नंबर 85 में आप देखें एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, और इसमें एंगल ए अनुपात एंगल बी अनुपात सी इक्वल टू 3:2:1 है ना, 3:2:1 रेशियो में है ये तीनों एंगल, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो ये जो कोण होंगे ये कितने होंगे, ये 3x 2x और 1 मतलब x, तो ये पूरा हमारा कितना आ जा रहा है, 3 2 5 1 6 6x, तो ये 6x इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 30 डिग्री, तो ये वाला जो कोण है हमारा ये सी वाला कोण है ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये कितना है, ये तो समकोण बताया जा रहा है तो ये 90 डिग्री,
तो ये 90 और 30, 120 डिग्री हो गया, तो ये कितना बच जाएगा? 60 डिग्री, क्योंकि किसी रेखा पर, सरल रेखा पर जो कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो ये जो कोण है हमारा एंगल ई सी डी, ये 60 डिग्री हुआ। तो ये ऑप्शन 4 हमारा सही है। त्रिभुज ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 86। त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी और एंगल सी का कोण समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलती है, यदि एंगल ए इसका टू 70 डिग्री है, 70 डिग्री है, तो एंगल बी ओ सी का मान होगा, ये वाला बी ओ सी निकालना है, ये वाला। तो यहां एंगल ए 70 डिग्री है, ये वाला 70 डिग्री है, तो ये एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी जोड़ एंगल सी कितना होगा? 180 से 70 घटा देंगे तो ये हो गया 110 डिग्री। और इसका जब हम समद्विभाजक कर रहे हैं, कोण को समद्विभाज कर रहे हैं, तो फिर ये हाफ हो जाएगा, हाफ इंटू कोण बी प्लस कोण सी, तो ये 55 डिग्री होगा। तो जब ये कोण और ये कोण 55 डिग्री है, ये दोनों मिलाकर, सॉरी, ये दोनों मिलाकर जब 55 डिग्री है, तो हमारा एंगल बी ओ सी क्या हो जाएगा? 180 से घट जाएगा 55 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री होते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 125 डिग्री ना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। 87, 10 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्ण की संख्या है। तो इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, बहुभुज के, नहीं याद है तो मैं लिख दे रहा हूं, बहुभुज के विकर्णों की संख्या n माइनस 3 इंटू एन बाई 2, और यहां n है भुजाओं की संख्या। तो यहां 10 भुजाएं हैं, तो n का मान हो गया 10 घटाओ ये 3 और ये 10/2, तो ये हो गया 7 × 5 यानी 35, यानी 10 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्ण होंगे 35। एटी एट, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में दुगना हो जाता है, कितने वर्ष में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा? देखिए इसे, यह हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र धन का, ये क्या है मिश्र धन, इसका टू P(1+R/100) और ये N, ये समय बता रहा है। तो ये कह रहा है 5 वर्ष में दुगना हो जा रहा है, तो दुगना यानी ये जो मिश्र धन है ये 2P हो गया, दुगना हो गया, इसका टू P(1+R/100) और ये 5 है। तो हम देख रहे हैं कि ये P और ये P कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2(1+R/100) और ये घात यहां 5 है। अब आते हैं इसके अगले भाग में, कितने वर्ष में ये 8 गुना हो जाएगा? तो 8 गुना हो जाएगा, तो यहां पर A का मान हो जाएगा 8P इसकल टू P(1+R/100) और ये N, यही तो निकालना है हमें। तो ये फिर यहां पर देख रहे हैं, ये पी पी कैंसिल हो गया और ये 8 इसकल टू ये हो गया, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब इसकल टू 1+R/100
हंड्रेड और एन। लेकिन यहाँ टू का मान यहाँ पर ये हमको मिला हुआ है पहले से, तो टू के जगह अगर हम इसको बैठा दें तो क्या होगा देखते हैं। तो वन प्लस आर बाई हंड्रेड, ये टू के जगह हमने बैठाया तो इसका घात हो गया थ्री। सॉरी, ये था ये फाइव था है ना, और ये इस पूरे के ऊपर थ्री हो जाएगा यहां। इसका टू वन प्लस आर बाई हंड्रेड और ये एन। तो यहां देखिए क्या होगा, वन प्लस आर बाई हंड्रेड और ये घातांक के नियम के अनुसार ये गुना हो जाएगा, पांच और तीन गुना हो जाएगा, तो ये हो गया पंद्रह। और ये वन प्लस आर बाई हंड्रेड और ये घात एन जो हमें निकालना है। तो हम देख रहे हैं घातांक के नियम में कि अगर हम इसको आधार मानते हैं वन प्लस आर बाई हंड्रेड, तो ये दोनों आधार एक ही है तो इसका घातांक भी एक होगा, अर्थात एन स्क्वल टू कितना होगा, पंद्रह आ गया। तो हमारा आंसर है ये पंद्रह। प्रश्न संख्या 89। एक बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 0.75 सेंटीमीटर त्रिज्या और 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले सिक्के बनाए गए, सिक्कों की संख्या क्या है? तो हम क्या करेंगे यहां कि बेलन का आयतन निकालेंगे और फिर सिक्के का आयतन निकालेंगे, और बेलन के आयतन में सिक्के के आयतन से भाग देंगे तो हमें सिक्कों की संख्या मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बेलन का आयतन निकालते हैं। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होगा, फॉर्मूला आयतन का हमारे पास क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसे पाई ही रहने दे रहे हैं, अभी इसको हम मान नहीं बैठा रहे हैं, क्यों ये आगे पता चलेगा। आर कितना है, तीन, तीन का स्क्वायर, और एच क्या है, आठ, यानी पाई इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू एट, ये हो गया हमारा घन सेंटीमीटर। और सिक्के का आयतन, सिक्के का आयतन तो फॉर्मूला तो वही होगा, पाई आर स्क्वायर एच, तो ये पाई, और आर कितना है, 0.75 ये स्क्वायर इंटू, और ये जो मोटाई है यही तो ऊंचाई है, 0.2। अब एक काम और हम करेंगे कि ये पॉइंट में है तो कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, ये 75/100 कर देते हैं। तो ये स्क्वायर है यानी दो बार गुना करेंगे, 75/100, और ये पॉइंट टू है तो इसे 2/10 लिखते हैं। चलिए अब सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, तो हमने कहा था बेलन के आयतन में सिक्के के आयतन से भाग देंगे, तो बेलन का आयतन पाई इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू एट, और ये पाई इंटू 75/100 इंटू 75/100 इंटू 2/10 इसकल टू पाई इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू एट, और ये जो नीचे वाले ये 100 ये 100 ये 10 है ये ऊपर आ जाएंगे, 100 × 100 × 10, और ये नीचे हर में बच गया है पाई इंटू 75 × 75 × 2, तो ये 25 से 3 और ये 25 से 4 बार में, 25 से 3 और 25 से 4 बार में, ये 3 कैंसिल, ये 3 और ये 3 कैंसिल, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, इसलिए हमने इसका मान नहीं बैठाया था, क्योंकि इसे ऊपर नीचे है और इसे काटना था।
अब ये दो बच गया है, अच्छा यहाँ पर एक एट था ना, ये छूट गया था। देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर ये जो 3 × 3 × 8 था ना, ये छूट गया था मेरा, तो बाद में लिख दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस दो से हम इस दो को 4 को काटते हैं 2 बार में, तो यहां हो गया 4 × 8, 8×8 64, यानी 640। तो सिक्कों की संख्या क्या होगी? 640। प्रश्न संख्या 90। निम्नलिखित में से कौन प्रायिकता का मान नहीं होगा? ये 3/4, 7/9, 80% और 4/3। हम गौर कर रहे हैं कि ये 1, 2, 3, ये तीनों ऑप्शन जो हैं, ये 1 से कम है और सिर्फ ये है 1 से ज्यादा। और हम लोग जानते हैं कि प्रायिकता जो होती है, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी इंग्लिश में कहते हैं, ये होती है हमेशा 0 से 1 के बीच। प्रायिकता 0 से 1 के बीच होती है, लेकिन ये तो 1 से बड़ा है तो ये मान नहीं हो सकता है। आशा है कि इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसे आप खुद से प्रैक्टिस करें और देखें क्या कोई और तरीका है जिससे और आसानी से हल किया जा सके। हमने इसे डिटेल में बताया है आपको समझाने के लिए, किंतु आप जब परीक्षा देंगे तो आपको शॉर्टकट में बनाना होगा, और आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सारे स्टेप छोड़कर डायरेक्ट स्टेप फाइनल रियल पर आप पहुंचने का जो आपका अभ्यास हो जाएगा। धन्यवाद।